जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका d9schools.com में। दोस्तों आज यानी 19 अप्रैल 2019 इन आठ बड़ी भर्तियों के फॉर्म जरूर भर लें। दोस्तों यहां पर आठवीं पास, दसवीं पास, बारहवीं पास, ग्रेजुएट, डिग्री, डिप्लोमा सभी के लिए अलग अलग जॉब्स हैं जिनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो दोस्तों लगभग 35,000 टोटल पोस्ट पर एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं। तो दोस्तों आज की टॉप भर्तियों की यहां पर बात करेंगे जिनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए और बिल्कुल भी ये जॉब्स आपको मिस नहीं करनी है। तो ऑल इंडिया लेवल पर ये जॉब्स हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस यहाँ पर बिल्कुल फ्री है इनमें से काफी सारी जॉब्स के लिए। और दोस्तों दूसरी सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इनमें से काफी सारी पोस्ट ऐसी भी हैं जिनके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, सीधी भर्ती होगी डायरेक्ट मेरिट के बेस पर। और काफी सारी पोस्ट ऐसी भी हैं जिनके लिए एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो अलग अलग एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर इन जॉब्स के हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी ये जॉब्स हैं, कैसे इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखना है, कैसे अप्लाई करना है और बाकी सभी डिटेल्स के बारे में यहां पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेनी चैनल बटन जाकर और साथ ही उसके पास वाला बेल बटन भी प्रेस कर ले ताकि डेली बेस पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट देने के साथ साथ बिल्कुल फ्री में पूरी तैयारी लाइव क्लासेज के साथ सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की यहां पर हम आपको कराते रहे। और साथ ही दोस्तों ये मैं यहां पर आपको बता दूं जितने भी नई जॉब्स आती हैं उन सभी की बिल्कुल फ्री में पूरी तैयारी लाइव क्लासेज के साथ यहां पर आपको करवाई जाती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन साथ साथ ही t9schools.com भी डेली बेसिस पर विजिट करते रहें क्योंकि यहां पर सभी गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल अपडेट और बहुत जल्दी फ्री टेस्ट सीरीज सभी गवर्नमेंट जॉब्स की यहां पर आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब इन आठ बड़ी भर्तियों के फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के पूरे अपडेट क्या है। नंबर वन पर यहां पर बात करें तो ECR यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे में 441 टोटल पदों पर भर्ती निकली हुई है। दोस्तों ये जो भर्ती आई है नई, ये है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टेक्नीशियन क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट और गुड्स गार्ड के पदों पर। अभी आपने देखा होगा कि रेलवे NTPC रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म्स भरे जा रहे थे, उनकी लास्ट डेट निकल चुकी है। तो रेलवे ने एक बार फिर से नई भर्ती यहां पर जारी की है जिसमें पोस्ट थोड़ी सी कम है लेकिन दोस्तों इसमें फिर भी कॉम्पिटिशन ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि अभी अभी इतने ज्यादा फॉर्म रेलवे में भरे गए हैं कि कैंडिडेट्स इस समय बिजी हैं तैयारी में और ज़्यादातर कैंडिडेट्स नई जॉब्स के लिए नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं रेलवे में, बल्कि जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं बड़ी जॉब्स का 1,00,000 रेलवे ग्रुप डी भर्तियों का, NTPC की भर्तियों का, उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कम एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं और आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। दसवीं पास, बारहवीं पास, डिप्लोमा सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जॉब है। रिटर्न एग्जाम स्किल टेस्ट के बेस पर सिलेक्शन होगा, CBT बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम यहाँ पर होगा। 19,900 अलग अलग पे स्केल है, 19,900 जो यहाँ पर बेसिक सैलरी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टेक्नीशियन और कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट में, जबकि 21,700 गुड्स गार्ड में बेसिक सैलरी है। इसके अलावा आपको जो अलाउंसेज मिलेंगे दूसरे वो यहाँ पर अलग है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाएगी, 30,000 से 35,000 के बीच आप सोच सकते हैं फिक्स वेतन जो आपको यहाँ पर मिलेगा। एप्लीकेशन फीस कोई भी इसमें नहीं है। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस जॉब का आपको कैसे देखना है, अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में अभी बताऊंगा, उसके लिए देखते रहिए पूरी वीडियो। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज निकली हुई है 1102, 1102 ग्रेजुएट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर है। रिटर्न एग्जाम स्किल टेस्ट के बेस पर यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। यहां पर सैलरी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, 51,550 से 63,070 के पे स्केल पर यहां पर आपको सैलरी मिलेगी। 59,000 के आसपास यहाँ पर फिक्स वेतन आपका बैठेगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा इस एग्जाम में, ऑनलाइन नहीं होगा। एप्लीकेशन फीस 150 रुपये है। और ये जो जॉब है दोस्तों ये UA में निकली हुई है यानी उत्तराखंड में निकली हुई है। हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स किसी भी स्टेट से आप जॉब्स का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जॉब लोकेशन जो रहेगी इसकी उत्तराखंड रहेगी। दोस्तों इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कैसे देखना है, अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में अभी बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के 3,456 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। रिटर्न एग्जाम स्किल टेस्ट के बेस पर सिलेक्शन होगा। सैलरी सीधे 36,000 यहां पर है और सिलेक्शन मोड ऑनलाइन है यानी ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम यहां पर आपको देना पड़ेगा। 50 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी। अब दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है ये KRU में, DUSB में, CSRU में एंड MSRLM में निकला हुआ है जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। दोस्तों अगला जो ये रिक्रूटमेंट है ये है CG व्यापम रिक्रूटमेंट। अब दोस्तों ये जो CG व्यापम रिक्रूटमेंट है ये टीचर्स के पदों पर है। टीचर्स के पदों पर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आप भर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। सैलरी की बात करें तो 42,000 तक यहाँ पर आपकी सैलरी लगेगी और एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी कुछ पदों के लिए। टीचर्स
टीचर्स के पदों पर ₹150 एप्लीकेशन फीस है, क्लर्क और लैब असिस्टेंट के पदों पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। सैलरी लगेगी यहाँ पर आपकी 32,000 और 44,000। इन जॉब्स को अप्लाई करने के बाद अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो इतनी सैलरी यहाँ पर आपको इन जॉब्स में दोस्तों मिल सकती है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा रिक्रूटमेंट है, इसके लिए भी तो दोस्तों इस जॉब के लिए भी जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला रिक्रूटमेंट जो आता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी दोस्तों आईटीबीपी का, लेकिन ये जो है ये स्पोर्ट्स कोटा और जनरल ड्यूटी दोनों के लिए है। 121 टोटल वैकेंसीज हैं, 21,700 पर मंथ सैलरी मिलेगी। 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 23 साल तक एज लिमिट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे देखना है अभी बताएंगे। उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट। अब दोस्तों ये जो एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट है ये सीधा 8,456 पदों पर है। और दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है यह है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट। अब इससे पहले ये जो वैकेंसी निकली थी ये 2017 में निकली थी 22,000 पदों पर, और उसके बाद कोई वैकेंसी एसबीआई क्लर्क जूनियर असिस्टेंट की नहीं निकली थी। उसके बाद वैकेंसी जो आई है ये अब आई है 8,456 पदों पर। इस जॉब की सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर इसका भरते हैं तो कम ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 महीने के अंदर ये रिक्रूटमेंट आपका कंप्लीट हो जाना है और आपके हाथ में जॉब आ जानी है। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना है, बहुत ही फास्ट रिक्रूटमेंट ये होता है। 29,000 यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। रिटर्न एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होगा, सीबीटी बेस्ड रिटर्न एग्जाम होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैसे देखना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में अभी बताऊंगा, उसके लिए देखते रहिए पूरी वीडियो। लेकिन इसके अलावा एसबीआई पीओ के भी 2,000 पदों पर रिक्रूटमेंट चल रहा है, इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल्स में आपको बताऊंगा। इसके अलावा CRSR रिक्रूटमेंट 2019 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के यहाँ पर पद हैं, 24,500 सैलरी मिलेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस नील है। इसके अलावा दोस्तों अगला रिक्रूटमेंट SBIPO, जैसा कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ESIC रिक्रूटमेंट भी अभी चल रहा है 12th पास कैंडिडेट्स के लिए, सीधा सीधा 1,847 पदों पर। इसके अलावा दोस्तों नेवी में रिक्रूटमेंट चल रहा है, IDBI बैंक में रिक्रूटमेंट चल रहा है, यूनियन बैंक में रिक्रूटमेंट चल रहा है, UPPCL में 4,500 पदों पर रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो दोस्तों ये जितनी भी जॉब्स मैंने बताई है इन सभी जॉब्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मिलेगा वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इन सभी जॉब्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिंक के। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक जरूर कर ले, शेयर जरूर कर ले, डेली बेसिस पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट पाते रहने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।